अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला जमीअ मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववहबना लिदाऊद सुलैमान निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन मजलिस, दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के दर्स के लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का इंतखाब किया गया है, जिस हदीस के अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सबक आमोज़ वाक़या बयान किया है और उसका मौजू है हकीकी माँ की पहचान। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो बयान करते हैं कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानत इमरातानी, दो औरतें थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो औरतें थीं और उन दोनों के पास अपने अपने बच्चे थे, दोनों के पास बेटे थे, और वो दोनों कहीं बाहर निकल कर गईं, अपने बच्चों को कहीं सुला दिया और आगे निकल गईं। भेड़िया आया और उन दोनों में से एक बच्चे को लेकर चला गया। जब वो दोनों वापस आईं तो उन दोनों में से एक दूसरे से कहने लगी, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। एक कह रही थी ये बच्चा मेरा है, दूसरी कह रही थी ये बच्चा मेरा। झगड़ा हो गया दोनों में कि दोनों में से एक बच्चा गायब था और हम हर माँ ये दावा कर रही थी कि ये मेरा ही बच्चा है। उसके बाद वो दोनों अपना फैसला दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कराने के लिए गईं। वो दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गईं ताकि अपना फैसला करा सकें। दोनों दावा कर रही थीं ये बच्चा मेरा है, एक बच्चा गायब हो गया था। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जब गईं तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की बातों को सुना। दोनों औरतों ने अपना अपना दावा पेश किया कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, और उसकी दलीलें उन्होंने पेश की होंगी, जो भी उन्होंने सुनाई दलीलें, उसकी रोशनी में दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ये बच्चा बड़ी का है। जो उसमें से बड़ी उम्र वाली औरत थी उसके हक़ में दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला सुना दिया। उसके बाद वो दोनों आगे गुजरी तो उनकी मुलाकात सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम से जब उनकी मुलाकात हुई तो वहाँ भी अपना किस्सा बयान किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन दोनों के हालात पर गौर किए, देखा कि ये दोनों औरतें हैं और एक बच्चे के बारे में झगड़ा हुआ है और वालिद मोहतरम ने फैसला कर दिया बड़ी के हक़ में। तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ैसला करता हूँ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मैं फ़ैसला करूँगा और उसके लिए मुझे एक छुरी की ज़रूरत है, एक छुरी लेकर के आओ, तुम दोनों का फ़ैसला मैं करूँगा और फ़ैसला इस तरह से होगा कि मैं उस छुरी से इस बच्चे के दो टुकड़े कर डालूंगा। उस छुरी से इस बच्चे के दो टुकड़े करके एक औरत को दे दूंगा, दूसरा टुकड़ा दूसरी औरत को दे दूंगा, क्योंकि तुम दोनों का दावा है कि बच्चा मेरा है। अल्लाहू अकबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब छुरी मांगी तो छोटी औरत, जो उसमें छोटी उम्र वाली औरत थी, उसने कहा मैं अपना हक माफ़ करके ये बच्चा दूसरी को देती, मैं बच्चा दूसरी को दे रही हूँ, मैं अपने हक से दस्तबरदार हो रही हूँ। उसके अल्फाज हैं, ला तफ़अल यरहमुकल्लाह, आप अल्लाह के वास्ते इस फैसले को रोक दीजिए, कत्ल करने वाले या टुकड़े करने वाले बात को आप रोक दीजिए, आप इसके टुकड़े मत कीजिए। ये बच्चा मैं उस औरत को देती हूँ, यानी बड़ी को मैं दे रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो ये जब जुमला सुना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि ये कह रही है कि इस बच्चे को मत कत्ल करो, मत काटो, इसके टुकड़े मत करो, अल्लाह पर रहम फरमाए, तो वो समझ गए कि ये बच्चा इसी का है। कि जो माँ अपने बच्चे को सामने देख रही हो वो कभी भी उसके कत्ल के बारे में फैसला नहीं दे सकती, उसके कत्ल के फैसले को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा छोटी उम्र वाली औरत जो बच्चे की दावेदार है वो कह रही है कि मैं अपना बच्चा उसको दे रही हूँ, आप इसको कत्ल मत कीजिए, आप इसके टुकड़े मत कीजिए, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि हकीकी माँ यही है, हकीकी माँ यही है, क्योंकि माँ अपने बच्चे के कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद दूसरी औरत जलील हो गई। इस वाक़े से बात साबित होती है कि जो माँ है कभी भी अपने बच्चे को मुसीबत में, परेशानी में, तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं करता। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया वो हिकमत पर मबनी था, हिकमत पर मबनी था। पहले भी फैसला किया था दाऊद अलैहिस्सलाम ने, बड़ी के हक़ में फैसला दे दिया था, लेकिन दोनों को इसमें इत्मीनान नहीं था। जिसका बच्चा था उसके दिल में तकलीफ थी, परेशानी थी, इसलिए उस वाक़े को जा करके सुलेमान अलैहिस्सलाम से बयान किया। और जब बयान किया तो उन्होंने कहा इसका सबसे बेहतर फैसला यही है कि इसके दो टुकड़े कर दिए जाएं। जब इसके टुकड़े करने की बात की जाएगी तो जो हकीकी माँ है उसका पता चल जाएगा। और उसका पता चल गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला दे दिया। तो इस हदीस के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस मसले के तहत जिक्र किया है कि अगर कोई औरत किसी बच्चे के बारे में दावा करे, अगर कोई औरत दावा करे कि बच्चा मेरा है, तो उसका कैसे फैसला किया जाएगा। यह इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताब अहादीस अल-अंबिया में भी इस रवायत को नकल किया है, जहाँ अंबिया का बयान है, जहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम का और दाऊद अलैहिस्सलाम का तस्करा है, उसमें जिक्र किया है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस किताब को सही मुस्लिम के अंदर 1720 नंबर पर नकल किया, किताबुल अक़ज़िया के अंदर, और इस मसले के तहत जिक्र किया कि अगर मुज्तहिदीन के दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो क्या किया जाए। अगर कोई मसला पैदा हो जाए और उसमें इख्तलाफ हो जाए तो क्या किया जाए। जिस मुज्तहिद का कौल, जिसकी बात हक़ से करीब, उसको ले लिया जाएगा। जिसका फ़ैसला ज़्यादा बेहतर होगा उसको ले लिया जाएगा। और इज्तिहादी मसले में मुज्तहिदीन के दरमियान इख्तलाफ हो जाता है। और इस वाक़े से बात भी साबित हुई कि अक्सर मुकदमात के अंदर जो लोग फ़ैसला कराने के लिए अपने मुकदमात को अदालतों में ले जाते हैं, अक्सर जो जालिम लोग होते हैं वो अपनी चरब ज़ुबानी के ज़रिया दूसरों के हक़ का फ़ैसला अपने हक़ में करवाना चाहते हैं। यहाँ भी औरत चरब ज़ुबानी की वजह से अपना फ़ैसला उसने करवा लिया था। चरब ज़ुबानी को देख करके दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला बड़ी के हक़ में कर दिया था, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे ज़्यादा होशियार थे, हिकमत वाले थे। उन्होंने जब कहा इसके टुकड़े कर दूंगा, तो उसके बाद छोटी औरत ने कहा नहीं, इसको मैं उसी को दे देती हूँ, लेकिन उसको टुकड़े मत किया जाए, उसके टुकड़े ना किए जाएं। तो इससे बात साबित होती है कि माँ अपने बच्चे से किस कदर प्यार करती है, कितनी मोहब्बत करती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितनी हिकमत व दानाई अता की थी। बाप भी पैगम्बर है, बेटा भी पैगम्बर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ ज़्यादा हिकमत अता फरमाई थी। उन्होंने अच्छा फ़ैसला दिया और उससे माँ का मसला बिल्कुल वाज़ह हो गया कि हक़ीक़ी माँ उसकी वही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ शरीयत को समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।